पंजाब में भी जगह जगह गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बठिंडा, फतेहगढ़ और फिरोजपुर में गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत कर झंडा फहराने की रस्म के साथ शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फतेहगढ़ साहिब में महिला एवं बाल विकास मंत्री पंजाब रजिया सुल्ताना ने गणतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म अदा की, तो संगरूर में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने लहराया तिरंगा झंडा। खुशखबरी ये है कि संगरूर का जो म्यूजियम के जींद रियासत का कैपिटल सी, संगरूर का जो म्यूजियम है और संगरूर के जिहड़े बलिदानां दा एक पुराना विरसा है उन्हूं यादगारां नूं उसारी दे लई होर कई अजिहे कम्मां दे लई असीं संगरूर नूं महाराजा सर्किट दे विच लिया रहे हां और इहदे लई असीं 100 करोड़ रुपए दी मंग सेंटर सरकार तों कीती है और एक बहुत जिहड़ी हुण संगरूर महाराजा सर्किट दे विच आऊगा जिहदे विच 3 जिले पटियाला कपूरथला जिथे महाराजा आवास सी और महाराजा ने बहुत चंगे काम कीते, संगरूर कपूरथला और पटियाला इस सर्किट दे विच महाराजा सर्किट दे विच शामिल कीते जाणगे और तुसीं पछाण नहीं सकोगे अगले 3-4 साल दे विच वी म्यूजियम दा किस तरह कायाकल्प असीं करांगे और किस तरह जिहड़े पुराने विरासती समान ने उन्हां नूं उन्हां दी देखरेख उन्हां दी संभाल किस तरह बेहतर होगी। लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में मनप्रीत सिंह बादल ने झंडा लहराया और सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। बेटे ते बेटियों, मेरे हमवतनों, 26 जनवरी के इस मुकद्दस ते मुबारक मौके ते मैं दिली तौर ते तमाम देशवासियों को बधाई पेश करने वास्ते आज माइक दे के खड़ा होया। जमहूरियत एक अनमोल खजाना है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। परमात्मा का बड़ा वड्डा एहसान है कि अज तो 70 साल पहला सानू एक आजाद मुल्क मिलिया, असि एक आजाद मुल्क के बठिंडे हैं। इसके साथ तरन तारण में डिप्टी कमिश्नर ने राष्ट्रीय ध्वज लहराया और परेड की सलामी ली। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सरहदी जिला फिरोजपुर में भारत पाक सीमा पर बने हुए शहीदी स्मारक पर डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर रामवीर द्वारा शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि देने के उपरांत भगत सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। देश की आजादी के बाद पहली बार किसी राजनेता की बजाय डिप्टी कमिश्नर ने ये रस्म अदा की। ते मैं सारे फिरोजपुर वासियों को बधाई देना, ते सारे नौजवान पीढ़ी नूं मैं प्रेरणा लेने की एक उम्मीद करदा कि जिहड़े साडे फ्रीडम फाइटर्स सी उन्हां दे सैक्रीफाइसिस दी लाइफ ओह स्टडी करके कि असी जिहड़ी आजाद हवा दे विच साह ले रहे हैं उन्हां दी जिहड़ी हैगी स्ट्रगल्स दे करके हैगी, उन्हां दी जिहड़ी कुरबानी करके हैगी, ते सारे ही नौजवान पीढ़ी नूं उन्हां दे जीवन तों प्रेरणा लेके ते अपनी डेमोक्रेसी नूं होर ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए।